Hello friends, I am Professor Prashant Patil. Today we are going to see mathematics of 10th standard SSC, and the chapter is linear equation in two variable, and the topic is determinant. So determinant is very important to solve simultaneous equation of linear equation. तो डिटरमिनेंट जो है वो क्रैमर्स रूल में यूज किया जाता है और क्रैमर्स रूल पे एग्जांपल आता ही है एग्जाम में. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो पहले हमें देखना है व्हाट इज द डिटरमिनेंट. सो लेट वी कंसीडर वन डिटरमिनेंट एज ए बी सी डी. कंसीडर ए बी सी डी आर फोर नंबर, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 लाइक दिस, व्हिच रिटन लाइक दिस, देन वी कैन से इट इज डिटरमिनेंट. सो वी हैव टू सॉल्व दिस डिटरमिनेंट. सॉल्व करना है यानी क्या, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, सो वी नीड टू टेक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर. सो ए मल्टीप्लाइड बाय डी मींस फर्स्ट एलिमेंट इन अ डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाय लास्ट एलिमेंट इन डिटरमिनेंट, एंड रिमेनिंग विल बी बी मल्टीप्लाइड बाय सी. इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन किया जाए तो हमें डिटरमिनेंट मिल जाएगा. अभी हम इस पे एग्जांपल लेते हैं. सो फर्स्ट सॉल्व द डिटरमिनेंट ऑफ 1 - 2 - 3 - 4 is equal to, first element is 1, last element is 4. So we have to take cross multiplication of 1 multiplied by 4 minus remaining is minus 2 multiplied by 3 is equal to 1 - 4 - 4 minus of 3 minus 2 is minus 6. So 4 minus into minus plus ho jayega. So 4 plus 6, so determinant की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10. So इसी तरह से हम determinant सॉल्व कर सकते हैं. अभी next is क्रैमर्स रूल. So क्रैमर्स रूल क्या है, यह भी हमें स्टडी करना है. So क्रैमर्स रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. 10th स्टैंडर्ड की जो बोर्ड की एग्जाम रहती है उसमें क्रैमर्स रूल पे एग्जाम्पल दिया जाता है, हर एग्जाम में आया है. So by using क्रैमर्स रूल वी कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है क्या, उसमें जो वेरिएबल दिए उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो अभी यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे. लेट इक्वेशन इज गिवन a1x + b1y = c1 इज फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन इज a2x + b2y = c. नाउ सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ऐसा दिया जाएगा एग्जाम में. तो सॉल्व कैसे करना है, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल वी हैव टू इक्वेशन एक्स बिकम dx/d एंड y = dy/d. तो ये जो दो इक्वेशन है, इस दो इक्वेशन से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं x और y की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज d, d इज नथिंग बट अ डिटरमिनेंट. तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा यहाँ पे, ये पहले हमें देखना है. तो पहले ये जो दो इक्वेशन दिए इनमें x एंड y ये जो है ये यहाँ पे वेरिएबल है, ये हमें पता है. और a1 b1 c1 a2 b2 c2 दीज आर द कॉन्स्टेंट, सो वी कैन से दीज आर द रियल नंबर. ओके, सो डिटरमिनेंट कैसे बनाया जाएगा. अभी पहला d हम बनाएंगे, जो कोएफिशिएंट है x एंड y के वो हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है. सो x का कोएफिशिएंट है a1, y का कोएफिशिएंट इज b1 इन फर्स्ट इक्वेशन. एंड इन सेकेंड इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ x इज a2, कोएफिशिएंट ऑफ y इज b2. अगर हमने ये डिटरमिनेंट सॉल्व किया तो हमें मिल जाएगा d. अभी सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है dx. dx मींस व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ x, डिटरमिनेंट ऑफ x. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ x यानी क्या रहता है, जो x के जो कोएफिशिएंट है a1 और a2 ये हमें नहीं लेने यहाँ पे d of x में. इंस्टेड ऑफ a1 एंड a2 वी हैव टू कंसीडर c1 c2. सो a1 a2 रिप्लेस कीजिए ये जो कांस्टेंट दिया है उससे c1 c2, और y के जो कोएफिशिएंट है वो एज इट इज रहेंगे b1 b2. ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा dx. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट dy. dy मींस व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ y. सो डिटरमिनेंट ऑफ y कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो y की जो कोएफिशिएंट है b1 और b2 ये हमें नहीं लेना है, सीक्वेंस वही रखनी है. स्टार्टिंग में जो आएगा वो x आ रहा है यहाँ पे, x की जो कोएफिशिएंट है a1 a2 ये हमने एज इट इज लिए. d ऑफ y है इसलिए y के जो कोएफिशिएंट है वो नहीं लेना है हमें, रिप्लेस करना है उनको c1 एंड c2 से. तो ये बन जाएगा d ऑफ y.
ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट करो, ये दो इक्वेशन में पुट करो, हमें मिल जाएगी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो ये मेथड लेके हम क्रैमर्स रूल पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल लेते हैं ऑन द बेस ऑफ क्रैमर्स रूल। सो फर्स्ट गिवन इज सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल एंड द इक्वेशंस आर गिवन। फर्स्ट इक्वेशन इज 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। ये दो इक्वेशन हमें दिए हैं, ये दो इक्वेशन हमें बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीअरेंज दिस टर्म, x की कोएफिशिएंट फर्स्ट, y की कोएफिशिएंट सेकेंड, ये एलएचएस में लेना है और राइट हैंड साइड में हमें कॉन्स्टेंट नंबर लेना है। तो इक्वेशन वन हम ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 3y माइनस 4, अगर राइट हैंड इस साइड जाएगा राइट साइड जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, इक्वेशन वन कंसिडर करते हैं। सेकेंड इक्वेशन वी कैन राइट डाउन एज अ 6x, माइनस नेगेटिव साइन है उस साइड जाने के बाद प्लस हो जाएगा ये y उस साइड जाएगा और ये 8, ये आएगा इक्वेशन नंबर टू। ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी हमें लगाना है यहाँ पे क्रैमर्स रूल। सो बिफोर गोइंग टू यूज क्रैमर्स रूल वी हैव टू फाइंड आउट a1 b1 c1। सो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हमें पता है, ये भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। a1 आएगा यहाँ पे 4, ओके ये a1 है, ये b1 और ये c1, ये a2, ये b2, ये c2। सो हमें तीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट d। डिटर्मिनेंट d यानी क्या, जो कोएफिशिएंट x एंड y के है वो एज इट इज लिखना है हमें। सो a1 b1, a1 है 4, b1 है 3, a2 इज 6 एंड b2 इज 5। नाउ सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट एंड लास्ट पहले लेना है हमें 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, बाद में जो रिमेनिंग है वो 3 6 जा, दोनों को सब्ट्रैक्शन कीजिए, 4 5 जा 20 माइनस 18, सो रिमेनिंग इज 2 इज द वैल्यू ऑफ d। सिमिलरली हमें सॉल्व फाइंड आउट करना है d ऑफ x। सो रिमेंबर दिस हाउ टू फाइंड आउट d ऑफ x। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d ऑफ x रिप्लेस द कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कांस्टेंट। सो a1 और a2 नहीं लेना है, उसकी जगह पे हमें लेना है c1 एंड c2। c1 इज 4, c2 इज 8 एंड y बिकम y इज एज इट इज, कोएफिशिएंट ऑफ y इज 3 व्हिच गिवन इन इक्वेशन 1 एंड 5। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मिलेगा हमें 4 5 जा माइनस 3 8 जा, सो यहाँ पे आएगा 20 माइनस 24, सो d ऑफ x बिकम माइनस 4, ओके। थर्ड निकालना है हमें d ऑफ y। सो ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, d ऑफ y मीन्स व्हाट, स्टार्ट करना है लेफ्ट साइड से, पहला आएगा x का कोएफिशिएंट, तो x के तो एज इट इज लेना है क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है हमें, सो 4 एंड 6। नाउ y के जो वेरिएबल है दोनों इक्वेशन में 3 एंड 5, ये हमें रिप्लेस करना है कांस्टेंट से, इनकी जगह पे लिखना है हमें 4 एंड 8। अब ये सॉल्व कीजिए फर्स्ट एंड लास्ट की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और रिमेनिंग जो बचेगा उनकी मल्टीप्लीकेशन। सो 8 4 जा 32 माइनस 24, सो d ऑफ y हमें मिल जाएगा 8, ओके। सो अप्लाई करो अभी क्रैमर्स रूल। नाउ बाय क्रैमर्स रूल वी हैव टू इक्वेशन टू फाइंड आउट वेरिएबल। फर्स्ट x इज इक्वल टू d ऑफ x अपॉन d, डिटरमिनेंट ऑफ x इज नोन माइनस 4 अपॉन d इज 2, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 2। एंड सेकेंड y इज इक्वल टू d ऑफ y अपॉन d, सो d ऑफ y इज 8 एंड d इज 2, therefore the value of y become 4. Similarly, we can solve so many numerical on the basis of Cramer's rule. Thank you.